तो दोस्तों आज हम इंडियन जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह पर्वत चोटी है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वह उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न जगह है वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं और मैं प्रश्न पढ़ूँ, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वह पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल है कि भारत के किस क्षेत्र में स्योक एवं नुमरा घाटियाँ जो स्थित हैं, तो वह क्षेत्र है लद्दाख क्षेत्र। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि भारत के किस क्षेत्र में स्योक एवं नुमरा घाटियाँ जो स्थित हैं, तो आपको याद रखना है ये स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। अगला सवाल है कि दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है, तो किसका बना होता है दक्कन पठार, तो आपको याद रखना है ये बना होता है बेसाल्ट का। अगला सवाल है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि दो दो बेटा चोटी है जो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है, तो वह क्षेत्र कौन सा है जो लघु हिमालय में स्थित है, तो वह क्षेत्र है रानीखेत जो लघु हिमालय में स्थित हैं। अगला सवाल है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो वह नदी बतानी है जो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो वह नदी है घाघरा नदी। अगला सवाल है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को अभी आपको रट लेना है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है तमिलनाडु में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वर्णित पर्वतों का एक उदाहरण है, तो आपको याद रखना है वह उदाहरण है उपरोक्त सभी, हिमालय अरावली और यूराल, ये तीनों जो हैं ये तीनों वर्णित पर्वतों का उदाहरण हैं। अगला सवाल है कि कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, तो वह तट बताना है जो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, तो वह तट है कोरोमंडल तट जो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है और अपने माइंड में सेट कर लेना है कि गिरनार पर्वत पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं ये स्थित है गुजरात में। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च जो शिखर है वह है अनाई मुड़ी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको याद रखना है वह चोटी है कंचनजंगा और ये मैंने पहले ही बताया था कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है जो कौन सी है, तो वह चोटी है कंचनजंगा और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी है जो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो घाटी है ये स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। अगला सवाल है कि देहरादून व हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है कि देहरादून व हरिद्वार है जो किस श्रेणी में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये स्थित है शिवालिक श्रेणी में। अगला सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो आपको याद रखना है वह द्वीप समूह है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह हैं वे बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अगला सवाल है कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। ठीक है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है कौन, सह्याद्री। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है, तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है वो आपको बताना है, तो इस जो पठार की आकृति है इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। अगला सवाल है कि हिमाद्री कहा जाता है, तो हिमाद्री किसे कहते हैं वो आपको बताना है, तो हिमाद्री कहते हैं हिमालय के उत्तरी भाग को। अगला सवाल है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को
क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहते हैं शिवालिक। अगला सवाल है कि हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है, तो हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है वो आपको बताना है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8172 मीटर, ठीक है, 8172 मीटर जो है वह हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है। अगला सवाल है कि भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? तो ये जो पठार है ये निर्मित है दरारी उद्गार से। अगला सवाल है कि गुरु शिखर एक चोटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि गुरु शिखर एक चोटी है तो किसकी किस में चोटी स्थित है? तो ये माउंट आबू में, ठीक है। अगला सवाल है कि माउंट आबू निर्मित है तो किससे निर्मित है माउंट आबू? तो आपको याद रखना है माउंट आबू जो है ये निर्मित है बलुआ पत्थर से। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धन्यागार कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धन्यागार कहते हैं? तो ये कहते हैं कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान को। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न जगह है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।